कोरिया जिला बेखुंडपुर के ग्राम पंचायत चारपारा के गांव छड़छा घाघीपारा में राष्ट्रपति के दस्तक पुत्र कहे जाने वाले पंडो बस्ती के लोगों को पानी पीने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। ये सभी लोग एक गढ़ा नुमा डबरी में बरसात का पानी पीने पर मजबूर है। इनके बस्ती में एकमात्र ही एक ही हैंडपंप है जो आंगनवाड़ी के पास है। उसी हैंडपंप से अपना पीने और खाने पकाने का पानी इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, जो लगभग एक महीने से बिगड़ा पड़ा हुआ है। हैंडपंप की मरम्मत नहीं होने के कारण इनको पीने का पानी के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। ना ही सरपंच का इस ओर ध्यान है और ना ही संबंधित अधिकारियों का इस ओर ध्यान है, जिसकी वजह से इन सभी लोगों को पानी के लिए जूझना पड़ रहा है। देखें आप इनको पानी पीने के पानी के लिए किस प्रकार जूझना पड़ रहा है इस रिपोर्ट के जरिए। राजू खान की रिपोर्ट कि ग्राम पंचायत चिरवापारा में है, जहाँ पे यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे जैसे कि पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। यहाँ के लोग जो है गड्ढा नुमा से पानी पीने के लिए मजबूर हैं। इनका यहाँ पे कहना है कि नहीं, यहाँ पे हमारी पानी का समस्या है, जो सरपंच को लगातार हमने बताया है, सरपंच यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता है, ना ही विभाग कोई ध्यान देता है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार जो गड्ढा नुमा है जहाँ से लोग पानी पीने के लिए मजबूर हैं, उस गड्ढा को दिखाएं आप। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो गड्ढा नुमा दिख रहा है, इससे यहाँ के जो है पंचायत, यहाँ पे जो पंचायत के लोग हैं वो इससे पानी पीने के लिए मजबूर हैं। आप देख भी सकते होंगे यहाँ पे पानी लेने के लिए यहाँ पे आए हैं, इस पानी से पीने के उपयोग करते हैं, इसमें बर्तन वर्तन जो भी है साफ सफाई के लिए काम करते हैं। यहाँ पे जो नल है वो खराब पड़ी है, पर अभी तक जो है यहाँ पे कोई भी मरम्मत के लिए ना सरपंच के द्वारा कदम उठाया गया है, ना ही विभाग को इसकी परवाह है। और अभी आज ही मुख्यमंत्री का जो है आगमन हुआ है और मुख्यमंत्री का जो है दौरा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास बात करने के लिए जो है यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, यहाँ उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव प्रसाद। जैसे हमने देखा यहाँ पे एक गड्ढा बना हुआ है जिससे पानी भरने, किस पंचायत से हैं? जैसे कि हमने देखा यहाँ पे कि गड्ढानुमा यहाँ पे बना हुआ है, उससे आप पानी ले जा रहे हैं बाल्टी में और लोटा के जरिए भर भर के, तो क्या पानी क्या करेंगे इसको? पियेंगे। तो क्या पियेंगे, बर्तन धोएंगे, सब काम चलाते हैं। तो क्या आपके यहाँ बोर नहीं है क्या? नहीं है। हैंड पंप वगैरह? हैंड पंप है एक ठो, पर खराब हो गया है। कब से खराब है? एक महीना हो गया है। तो क्या सरपंच नहीं उससे बात किए, नहीं बोले बनवाने के लिए? बोले सरपंच को तो बोले हैं, पर देखता है पर कुछ करवाते नहीं है। अच्छा, तो ये पानी पीने के लिए मजबूर हैं आप लोग? जी। कितने गाँव के लोग हैं यहाँ पे आपके? कितने लगभग कितने बस्ती होंगे यहाँ पे, कितने घर होंगे? घर समझते हैं, घर होगा 10-15 घर। 10-15 घर के परिवार हैं जी। पानी भरने, पानी ले जा रहे हैं, पानी क्या क्या काम आता है? ओ, मैं ये पी लेते हैं इसको, बर्तन तो साफ सब कुछ करते हैं, है ना। तो क्या क्या ऐसा हो जाए कि गड्ढा का पानी आपको पीने के लिए मजबूर है? क्या हैंड पंप बोर वगैरह नहीं है? बोर है एक, तो बस उसमें कोई लाइट रहता तो मिलता है, खराब हो जाता तो फिर बस यही पीते हैं इसी को। तो अभी क्या बोर खराब पड़ी हुई है? हाँ खराब है, अभी एक महीना से भी खराब हो गया। तो किस पंचायत है ये? चिरवापारा। चिरवापारा है। तो क्या सरपंच को आपने नहीं बताया कि मतलब हैंडपंप खराब है, मरम्मत करा दीजिए? बताए थे तो काम हुए नहीं करवाता है। विभाग भी कभी यहाँ झांकी मारने आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। तो अभी जैसे आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आगमन हुआ है, जैसे कि बैरासी से आज आगमन हुआ, बैकुंठपुर अभी पहुंचे हुए हैं, तो क्या उनसे शिकायत करेंगे क्या इनका कि मतलब यहाँ पे जो ऐसे ऐसे समस्या है लगातार बनी हुई है पानी की समस्या, डबरा नुमा पानी से पी रहे हैं, क्या समस्या करेंगे अभी, या मुख्यमंत्री से क्या बोलना चाहेंगे आप? बोले नहीं तो बोलेंगे भैया यहाँ बस एक ही हैंडपम्प है, बस आता है तो सरपंच जिससे जिससे जहाँ खुदवा देता है, यहाँ का कोई जुगाड़ नहीं। हमारे न्यूज चैनल जो है, इस न्यूज चैनल के जरिए मुख्यमंत्री जो है हमारे छत्तीसगढ़ के, उनसे क्या मांग करेंगे? मांग करिए आप हैंडपंप जो भी कुआं बोली जो भी खुदवा देगा तो फिर पानी पीने के लिए तो कुछ हो जाएगा। कैमरा में देख कर बात करें, मंत्री जी से क्या मांग करेंगे? मुख्यमंत्री जी से मांग करें आप, अब हैंडपंप खुदवा देगा, बोरिंग जो भी पानी का सुविधा है हम लोग का वो मांगेंगे। वो मांग रहे हैं आप? हाँ। और क्या समस्या यहाँ पे पानी को लेके इसके अलावा? और इसके अलावा तो कुछ है नहीं भाई, अब
पानी एक राशन चावल वगैरह बढ़िया मिल रहा है, दे रहा है, खाली पानी की समस्या, पानी की दिक्कत। तो देखा आपने कि यहाँ पे एक पंचायत है जहाँ पे लगातार पानी की समस्या बना हुआ है, लोग डबरी के पानी से पीने के लिए मजबूर हैं, और इन्होंने मांग कर रहा है कि यहाँ पे पानी की समस्या जो दूर हो जाए, फिलहाल तो कोई समस्या नहीं है। मैं न्यूज़ 21 के लिए राजू खान।